फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.6, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि तीन इक्वेशंस जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दे रखी हों उनको मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि जिनसे 3x3 मैट्रिक्स बनता है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, जिसमें हमें तीन इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3/2 और 3y माइनस 5z। यहां पर वेरिएबल x नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा लेंगे, तो 0x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने रिप्रेजेंट कर लिया ax इक्वल टू b से। हम मैट्रिक्स x कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, यानी x y z की वैल्यूज, वो इज इक्वल टू a इनवर्स b है। तो हमने मैट्रिक्स ए लिखा है यहां पर, जो कोफिशियंट्स का मैट्रिक्स बनता है एक्स वाई जेड के। देखिए 2 1 0, ये ना, यहां से 1 -2 3 और 1 -1 -5, ठीक है। एक्स वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, बी कांस्टेंट टर्म्स का, जो राइट साइड पे ये कांस्टेंट टर्म्स है, 1 3/2 9। सबसे पहला स्टेप हमने डिटर्मिनेंट ए निकालना होता है, तो डिटर्मिनेंट ए को लिख रहे हैं। देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं, एफ वाई एक्स को 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आएगा, आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 × फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, -2 × -5 यानी कि 10, माइनस अपनी तरफ से 3 × -1 -3। फिर इसका अगले टर्म का साइन नेगेटिव है और यहाँ पर 1 है नॉन जीरो टर्म, तो 1 लिखेंगे, -1 × अब हमने फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो कंप्लीट और सेकंड कॉलम छोड़ देना, तो क्या बचेगा, देखिए 1 × -5 -5 माइनस अपनी तरफ से 0 × -1 0। फिर अगली टर्म जो है वो +1 है, तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, इसके सामने वाली रो, इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, देखिए 1 × 3 3 माइनस अपनी तरफ से 0 × -2 0, क्या आया, 2 × 10 -3 हो जाएगा, यानी 10 + 3 हो गया, -1 × -5 + 1 × 3, 10 + 3 13 × 26 -5 × -1 + 5 + 3। तो देखिए 26 + 5 = 31 + 3 = 34, डिटर्मिनेंट ए आ गया 34 नॉट इक्वल टू 0, मतलब लिख देंगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें सबको पता है, 1/determinant A × adjoint A होता है, यानी अब हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। देखिए हमने मैट्रिक्स से लिख लिया था, अब हमने जो काम करना था अगला, वो नेक्स्ट स्टेप था हमारा टू फाइंड एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पता है हमें कोफैक्टर लिखने होते हैं, तो ये मैट्रिक्स ए है, इसके 9 कोफैक्टर आएंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। कोफैक्टर हमने आपको पहले भी बहुत बार सिखा दिए, तो हमने इस बार कोफैक्टर जो है, देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, आपने कैलकुलेट करने हैं और वेरीफाई करना है कि एक्चुअली कोफैक्टर यही आ रहे हैं नहीं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम इसके बाद लिख रहे हैं एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं आपको पता है, ये जो कोफैक्टर आए हैं इनको रो वाइज लिखना है, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, और इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए फिर से एडजॉइंट ए लिख रहा हूं मैं, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट ए होगा। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 13 5 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 -10 -6 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 -5, ये एडजॉइंट ए आ गया। लेकिन हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे ए इनवर्स, वो कैसे निकलता है, 1/determinant A × adjoint A। तो 1/determinant A हमारे पास आया था 34, यानी 1/34 और एडजॉइंट ए हमने अभी लिखा है, वो लिख लेते हैं यहां पर 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये ए इनवर्स आ गया। और जो फाइनली हमें मैट्रिक्स एक्स, यानी कि जो वेरिएबल्स थे हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने, उसका हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स के प्लेस पे मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स के प्लेस पे 1/34 ये वाला मैट्रिक्स 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5,
और मैट्रिक्स बी जो कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स था हमें स्टेटमेंट में गिवन था वो 1, 3/2, 9 ये लिख लिया है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं, 1/34 ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ 13 प्लस दूसरा दूसरे के साथ 8 × 3/2 ये कट जाएगा, देखिए 8 × 3/2 दो चौके 8 चार तीय 12 यानी कि प्लस 12 और फिर 1 × 9 + 9 ये पहला एलिमेंट आ गया। दूसरी रो फिर कॉलम के साथ 5 × 1 = 5 और ये 2 और 10 कट जाएंगे 5 से 5 = 15 माइनस का 15 प्लस 9 × 3 = 27। फिर थर्ड रो को करना है इसी कॉलम से 3 × 1 = 3 माइनस 6 को 3/2 से करेंगे तो 2 से कट जाएगा 3 × 3 = 9 और माइनस 3 × 3 माइनस का 9 और माइनस 5 × 9 माइनस 45 सॉल्व कर देंगे क्या आएगा देखिए 1/34 × 13 + 12 = 25 + 9 = 34 5 − 15 माइनस का 10 और प्लस का 27 यानी के 17 प्लस का तो ये हो गया −45 − 9 −45 − 9 कितना बनेगा −54 + 3 −51 राइट बाहर 1/34 है तो ये 34 इन सबसे डिवाइड होगा देखिए अंदर जाके क्या बनेगा 34/34 17/34 − 15/51/34 कैंसिल होगा देखिए ये तो 1 से 1 कैंसिल होगा 17 × 17 = 34 1/2 आ जाएगा ये 3 से कट जाएगा 17 × 51 = 34 तो जो एक्स वाई जेड था हमारे पास मैट्रिक्स वो आया है 1 1/2 − 3/2 तो इक्वेट करें अगर तो एक्स की वैल्यू आई 1 y की आएगी 1/2 और z की आएगी −3/2 देखिए 12th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 3 क्वेश्चंस गिवन है मतलब 3/3 मैट्रिक्स ए बनेगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है ए हमने आपको बताया 1 2 1 −1 1 1 1 −3 1 और x वेरिएबल्स का x y z b कांस्टेंट्स का 4 0 2 हमने सिस्टम को लिखा ax = b की फॉर्म में x जो वेरिएबल्स है हमारे x y z जिनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आएगा = a−1b इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड तो a इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप डिटरमिनेंट a आता है तो डिटरमिनेंट a लिख लेते हैं देखिए 1 2 1 −1 1 1 1 −3 1 इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा देखिए 1 × आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव है ये नेगेटिव लेना है ये पॉजिटिव लेना है तो +1 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 1 × 1 माइनस अपनी तरफ से 1 × −3 − 3 माइनस लगाना फिर ये वाला साइन और ये वाला −1 एज इट इज लिखना है और फिर ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इस बार छोड़ना है तो 2 × 1 2 माइनस अपनी तरफ से 1 × −3 − 3 फिर +1 लिखना है ये वाला 1 और इस बार हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे ये तो 2 × 1 2 माइनस अपनी तरफ से 1 × 1 1 ये लिखा जाएगा एक्सपेंड कर लेंगे 1 − −+3 −−+1 2 − −+3 +1 2 − 1 1 सॉल्व करके आएगा देखिए 3 + 1 4 +3 + 2 5 +1 5 + 4 + 1 यानी 5 + 4 9 +1 10 नॉट इक्वल टू 0 आ गया therefore a is non-singular matrix कब होता है जब determinant a not equal to 0 है not equal to 0 आगे determinant a हमारे पास तो इसका हम लिख देंगे therefore a inverse exists और a inverse निकालने के लिए जो formula यूज कर रहे हैं वो आपको पता है 1/determinant a × adjoint a तो ये अगला जो स्टेप है हमारा वो है टू कैलकुलेट एडजॉइंट ए देखिए एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है मैंने कोफैक्टर्स पहले से लिख लिए हैं आपने एक्चुअली कैलकुलेट करके ये सारे कोफैक्टर वेरीफाई करने हैं कि हाँ हमने ठीक लिखे हैं नहीं उसके बाद हमने जब एडजॉइंट ए लिखना है तो आपको पता है जो कोफैक्टर्स हमने लिख लिए हैं इनको हमने रो वाइज लिखना है 4 − 5 1 2 0 − 2 और ये 2 5 3 2 5 3 और इन सबका ट्रांसपोज लेना होता है तो फाइनली एडजॉइंट ए आ जाता है तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाती है 4 − 5 1 दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 5 3 राइट ये एडजॉइंट ए आ गया एडजॉइंट ए आने के बाद हमने लिखना है ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने बताया था 1/determinant a ×
एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए आया था हमारा 10, तो 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट ए, अब हम लिख रहे हैं, देखिए 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2 और 2 5 3, ये आ गया ए इनवर्स। लेकिन हम तो कैलकुलेट करना चाह रहे थे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x जो था हमारा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स था x y z, जिनकी हमने वैल्यूज निकालनी है। ए इनवर्स की वैल्यू हम यही वाली लिख देते हैं यहाँ पर एज इट इज, 1 अपॉन 10 इंटू ये मैट्रिक्स लिख देंगे पूरा 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2, 2 5 3, और मैट्रिक्स बी जो हमारा कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स था स्टेटमेंट में गिवन था 4 0 2। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 10, यहाँ पर सेम यही 1 ये एक्स वाई जेड रहेगा, 1 अपॉन 10 बाहर एज इट इज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर दूसरी रो के एलिमेंट्स को करना है माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10। फिर तीसरी रो की बारी आएगी 1 मल्टीप्लाई 4 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो ये जो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, देखिए सॉल्व करके, ये 20, ये माइनस 10 और ये 10, तो ये 10 से डिवाइड भी हो जाएंगे सारे, तो x की वैल्यू आएगी 20 अपॉन 10, y की जो वैल्यू आएगी माइनस 10 अपॉन 10, और जो z की वैल्यू आएगी वो 10 अपॉन 10। तो देखिए x इज इक्वल टू 2, ये कट जाएगा 10 गुना 20, ये भी कट जाएगा y माइनस 1, और z ये भी कट जाएगा 1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे एक्सरसाइज 4.6 के क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के भी और इस पूरे चैप्टर के भी, जिनमें हम थ्री इक्वेशंस को 3x3 मैट्रिक्स जिनसे बनता है मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करके ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक्स वाई जेड की कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं आपको सिखाया गया है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 12th के सभी बच्चों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जरूर आते हैं और सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें, तो शेयर इट टू द मैक्सिमम। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब से वेदिक गुरुज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, और खूब मन लगा के पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आती है वेदिक गुरुज हमेशा आपके साथ हैं, जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।